हेलो दोस्तों, लेटेस्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो दोस्तों, ले आए हम एक नया टॉपिक्स निकल के आया है ट्रूकॉलर के तरफ से। जो दोस्तों ने अभी तक ट्रूकॉलर में बैंक लिंक नहीं किए हो तो पहले जल्दी से जाओ दोस्तों, पहले बैंक लिंक करो। लिंक कैसे करोगे, पहले गेट स्टार में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो ट्रूकॉलर में जो नंबर देकर रजिस्टर किए थे उस नंबर में एक SMS जाएगा। SMS जाने के बाद आपका जो उस नंबर में जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आपका डिस्प्ले में शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है इसलिए मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक डिस्प्ले में शो हो गया। हो जाने के बाद मेरा बैंक वेरीफाई हो गया। उसके बाद गेट UPI पिन में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, 100 चेक बैलेंस बोल रहा है। तो सेट UPI पिन डालने से आपका जो कार्ड और मंथ ईयर लगेगा, कार्ड और मंथ ईयर मांगेगा तो देने के कोई जरूरत नहीं। चेक बैलेंस में जाओ, उसके बाद प्रोसीड टू पे में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट में जो पिन देके रजिस्टर किए थे उस पिन डालने से आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रजिस्टर सक्सेसफुल होने के बाद आपका डिस्प्ले में एक शो होगा स्कैन एंड पे। करने से आपका आप 200 रुपया पर ट्रांजेक्शन के लिए मिलेगा। तो इस ऑफर को आप 5 times लूट सकते हो। तो लूटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस अकाउंट चाहिए। तो बिजनेस अकाउंट आपको कैसे मिले, बिजनेस अकाउंट का QR कोड चाहिए। तो QR कोड कैसे मिलेगा, पहले फिर से बैक आओ। आने के बाद आपका जो फ़ोनपे अकाउंट है वो फ़ोनपे अकाउंट को ओपन करो। ओपन करने के बाद आप पहले चेक कर लीजिए आपका बैंक अकाउंट सही से लिंक है कि नहीं है। तो मेरा आदर्श बैंक लिंक था, मैं अभी पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक कर लेता हूँ। करने के बाद आपको आ जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद आपको प्रोफाइल में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको माई QR कोड में क्लिक करना होगा। माई QR कोड में आपका इस QR कोड आपको बिजनेस QR कोड है। तो इस QR कोड का स्कैन और पे करने के लिए आपको जो ट्रूकॉलर ऐप है उस ट्रूकॉलर ऐप में इस ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक ट्रांजेक्शन करके अभी दिखा रहा हूँ। तो पहले काम करना होगा, जो QR कोड मिल रहा है उस QR कोड को आपको पहले कॉपी ले लेना है, खींच लेना है। खींचने के बाद आपको स्कैन और पे ऑप्शन में जाना होगा। जाने के बाद आपको अलाउ करना होगा, उसके बाद स्कैन और पे कर देना है। उसके बाद 50 रुपया करके आपके 5 times ट्रांजेक्शन कर लेना है। 50 रुपया करके आप जब 5 times ट्रांजेक्शन कर लोगे सक्सेसफुली तो आधा घंटे में आपको जो कैशबैक है वो कैशबैक मिल जाएगा। तो मुझे 5 transactions करने के लिए मुझे 5-5 करके कैशबैक मिल गया। तो आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं, उसके बाद कम भी मिल सकते हैं। तो आप ट्राई कर लो एक बार। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।